हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। अभी हम देखेंगे लो कॉस्ट सुपर कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो बेसिकली लो कॉस्ट सुपर कैपेसिटर जो है अभी रिसेंटली न्यूज में है। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी एंड एक्सप्लेन बाय मी गणेश। सो चलिए देखते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल्स में देखेंगे। ओके, सो साइंटिस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल, जो कि शॉर्ट में बोलते हैं ARCI, इन्होंने क्या क्या है ना डेवलप किया है, एक सिंपल लो कॉस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल सुपर कैपेसिटर डिवाइस। सो यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, डेवलप जो किया है, एक तो हो गया सिंपल है, ठीक है, ये जो है इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, तो ये है क्या है ना सिंपल है। देन क्या है ना, ये जो है लो कॉस्ट, जो कि बहुत कम पैसा में ये हो जाएगा। और एक जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब सबको मालूम होगा जो कि अभी पोल्यूशन लेवल कितना बढ़ रहा है। सो देट क्या है ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इज अभी बहुत ज़रूरी है। देन देखेंगे यहाँ पे सस्टेनेबल सुपर कैपेसिटर जो कि डिवाइस। ओके, सो ARCI एक क्या है ना ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो सुपर कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, ये जो है सुपर कैपेसिटर एक क्या है ना नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज द अल्ट्रा कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। इट हैज सिग्निफिकेंट एडवांटेज है, जैसे कि क्या है ना, हाई पावर डेंसिटी, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी एंड अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें, एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल कैपेसिटर एंड जो कि लिथियम आयन जो कि बैटरीज है। ओके, इससे भी अच्छा ये है जो कि लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रहेगा, इसका जो है पावर डेंसिटी रहेगा एंड जो कि फास्ट चार्जिंग होगा इसमें। एंड मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द सुपर कैपेसिटर इज, एक तो हो गया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर, करंट कलेक्टर। ओके, ये जो है चार चीज इसके लिए कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो कि है इसमें जो है मुख्य जो है कंपोनेंट्स है, व्हिच आर डायरेक्टली डिटरमाइन द इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर ऑफ द सुपर कैपेसिटर। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोड मटेरियल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट अकाउंट मेजर पोर्शन ऑफ द सुपर कैपेसिटर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज वेरी लो। सो इलेक्ट्रोड जो कि है, इलेक्ट्रोड जो है एक सॉलिड जो कि इज ए सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर दैट इज यूज टू टेकन द इलेक्ट्रिक करेंट टू और फ्रॉम ए सोर्स ऑफ द पावर। इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रोड ये जो है ये सॉलिड एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जिसमें क्या होता है ना जो एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस होता है वो जो है इलेक्ट्रिक करंट को क्या है ना फ्लो करता है। ओके, सोर्स ऑफ पावर तक। सो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट एक सब्सटेंस रहता है जहां पे इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है व्हेन डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। ओके, सुपर कैपेसिटर डिवाइस के बारे में देखेंगे, ये जो है इज डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन बेस्ड इलेक्ट्रोड एंड नेचुरल सॉल्ट वाटर इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे जो कि सुपर कैपेसिटर, ये जो सुपर कैपेसिटर डिवाइस है ये डेवलप होगा किसमें ना, इंडस्ट्री में क्या है ना बहुत सारा जो है वेस्ट कॉटन फेंक देते हैं उसको, ठीक है, सो उससे ही ये जो है सुपर कैपेसिटर बनेगा। सो ये इसको क्या बोलेंगे ना, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड एंड द नेचुरल सॉल्ट वाटर, नेचुरल सॉल्ट वाटर NaCl, ये होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है ना, एक कैथोड देता है, एक एनोड देता है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉटन जो है ये क्या करेगा ना, कन्वर्ट करेगा हाईली पोरस कार्बन फाइबर्स बाय द एक्टिवेशन प्रोसेस देन यूटिलाइज टू मेक द हाई जो कि परफॉर्मेंस सुपर कैपेसिटर जो कि इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो नेचुरल सॉल्ट वाटर जो है ये क्या है ना, एक्सप्लोर्ड एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, अल्टरनेटिव एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, सो हियर यहाँ पे देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, इसी पिक्चर में हम समझेंगे क्या होता है। सो बेसिकली ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस वन इज
solar cell. Okay, so this one is salt water means Na plus, यहाँ पे Cl, ठीक है, means NaCl. So यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है waste cations from the industry, then produce क्या होता है ना, carbon fibers, ठीक है. कार्बन फाइबर्स प्रोड्यूस होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रो जो कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, देन ये क्या होता है ना, जो पावर जो होता है, पावर प्रोड्यूस होता है, वो पावर कहाँ पे जाएगा, जो डिवाइस होगा वहाँ पे, यहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होके वो डिवाइस में जाएगा. ओके, सो ये जो है, ये डिवाइस जो है एक रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है. सो रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल मीन्स कोई भी चीज को उसको इजीली मिल सकता है एंड रिन्यू हो सकता है, मीन्स जो खत्म होने के बाद फिर हो जाएगा. ओके, उसको रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी बोलते हैं. ओके, सो बेनिफिट क्या रहेगा ना, सुपर कैपेसिटर जो कि ग्रेट पोटेंशियल फॉर द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन. सो इट एग्जिबिट जो कि एग्जिबिट मैक्सिमम कैपेसिटेंस, गुड ड्यूरेबिलिटी, हाई एफिशिएंसी इसमें. सो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. कैपेसिटेंस क्या रहता है, कैपेसिटेंस का मतलब ये है जो सिस्टम रहता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है, कोई भी डिवाइस है, उसमें कितना जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं. सो एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी जो कि है डिनोट्स द चार्ज ट्रांसफर इन ए सिस्टम फैसिलिटेशन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है. सो व्हेन इंटीग्रेटेड विथ ए सोलर सेल, जब क्या होता है ना, सोलर सेल के साथ हम इंटीग्रेटेड कर देंगे उसको, उसके बाद सुपर कैपेसिटर विल बिकम ए लो कॉस्ट हो जाएगा, देन इको फ्रेंडली हो जाएगा, एफिशियंट हो जाएगा एंड सेल्फ पावरिंग डिवाइस हो जाएगा. So it has a long life cycle है and can be used as maintenance free power, जो कि है power supply. So that's all, thank you.